तो स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं आपके फेमस मंदिर में, जो राधा कृष्ण के मंदिर से माना जाता है। और ये सतीश ब्रो भी हमारे साथ जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं आज हम लोग? राधा कृष्ण मंदिर। और ये देखिए, परम सुख की अनुभूति प्राप्त करके आए हैं। और अभी कुछ लड़के और आने बाकी हैं। सूरज उनको कॉल लगा रहे हैं, बुला रहे हैं पुल के नीचे। यहाँ से जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर है राधा कृष्ण मंदिर। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, हम आपको दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नाम है उस मंदिर का, सुंदर है। और एक और है मंदिर शंकर जी, बहुत बड़े शंकर जी की प्रतिमा है। मेरे व्लॉग्स चैनल पे पड़ा है, वो जाके विजिट करिएगा। और राधा कृष्ण मंदिर अभी हम लोग जा रहे हैं। शंकर जी हम इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि रात हो जाएगी, आके हमें रूम पर खाना भी बनाना है और बहुत से काम होते हैं। ठीक है, तो ये बैठ चुके हैं, उनका वेट हो रहा है। हमारे ही क्लास का है, उसका नाम वेदांत है, वो आने वाला है, मिलवाऊँगा उससे भी, तो उसी के वेट हो रहा है। उसके आने के बाद हम लोग चलते हैं फिर राधा कृष्ण मंदिर। नहीं यार, ये लोग अभी बोले यहाँ पे बैठे हैं, वेट हो रहा है। वेदांत का है ना, किसका वेट कर रहे हो भाई? नहीं चलना है अब, नहीं चलना ऊपर बाप। तो यहाँ पे सतीश भाई थक चुके हैं, लेकिन मुकेश का हाल क्या है? चलना है, चलना है राधा कृष्ण मंदिर, चलना है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, शुरू हुई है, लेकिन अभी तुम बोल रहे हो थक गए हैं। चलो चलो चलते हैं। और वेदांत का वेट हो रहा था ना अभी। ये वेदांत यार, अरे फिर वेट करने के बाद हम हार के चलने लगे हैं, क्योंकि वेदांत पाँच मिनट करते करते बोलता रहा, मगर भैया हम चल रहे हैं, तुम आते रहना। ये क्या है? ये कांटे वाला पेड़ से कांटा तोड़ लिया गया है। और हमसे पूछ रहे थे ब्रो कि ये किस चीज़ का है, पता है क्यों? चुबा के पूछ रहे थे ये किस चीज़ का है, बोलो। इंजॉय लग आ रहा था ना चुबाने में? हाँ, कैसा फील हो रहा था? बड़ा ही दर्द की अनुभूति हो रही थी। और आगे आगे मुकेश चल रहे हैं, और ये अपनी कंपनी फोर्ड की, जो हाँ दो बंदे आगे भी है, वो जाने लग रहे हैं। वो जूनियर से अपने, एक दूसरे कॉलेज का है, एक अपने ही कॉलेज का है। ठीक है, उनके नाम मालूम है? एक का तो अभिषेक पांडे हैं और दूसरे का हमको मालूम नहीं। फिर रात हो रही है और आप हमारे फेस पे वो काला जमती जा रही है सभी के। अभी तक आप देख रहे होंगे गोरे, अब आप हमको देख रहे होंगे काले। ये देखिए, ऐसा नहीं करना है। तो मस्ती करते हुए जा रहे, वो जो बबूल्स का काटा था वो चुबाते हुए इतना वेट हो गया। अभी तक वेदांत नहीं नज़र आ रहा पीछे। ये है सागर का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, राइट? यस और बहुत बड़ा है। हाँ, ये बहुत काफ़ी बड़ा है, पूरा एरिया उस साइड तक ये आपको दिख रहा है ना, इतना ही नहीं है, उस साइड भी है। ये होटल दीपाली होटल रेस्टोरेंट, इसके अंदर हॉल्स मिलते हैं, रूम्स मिलते हैं, खाना मिलता है, बहुत कुछ होता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है गाइस। हम लोग एक बार गए थे, इसमें सिर्फ 150-200 रुपए की तो चाय मिलती है, इतना महंगा है। और इसी रास्ते से हम लोगों को जाना पड़ेगा राधा कृष्ण मंदिर। यही है वो बंदा जो चक्कर दे रहा था, इसका नाम वेदांत है। और कहाँ थे भाई? अरे 5 मिनट देखो, हम वहाँ पे आधा घंटा बैठे, पाँच मिनट बोलते, आज ये रात हो गई, देख रहे हो गोरे से काले दिखने लगे हम लोग। ये सीन यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा, लाइट का, दीपाली की मेहरबानी है जो सभी के चेहरे दिख पा रहे हैं। ये पीछे पूरी गैंग आ रही है, ये मुकेश ब्रो, ये सूरज, और पीछे सतीश आ रहा है। सतीश आए, हमारे व्यूअर्स को वो सीटी की आवाज़ नहीं सुनती है ना? सही बजा दे सीटी, बजाओ आगे। क्या करना? सीटी बजाना सिखाओ यार, ऐसे पकड़ो। हाँ जी, को ऐसे दबाना। तो ऐसे करके सूरज ब्रो सीटी मार के कुछ करते हैं, वो हम बता नहीं सकते पब्लिक में। साइड में जो लकड़ियाँ उठी है, टमाटर की खेती है, वेदांत का कहना है टमाटर की खेती है। देखो दिखता है यार, ये टमाटर की खेती है। खेती नहीं है, टमाटर की है। बात सुनिए गाइस, ये जो मुकेश है
मुकेश बोला मेरे कंधे पे बैठ जाओ, अगर मैं मुकेश के कंधे पे बैठ जाता हूँ बैठो बैठो कोई दिक्कत नहीं। सतीश मुकेश बोल रहा है मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें राधा कृष्ण मंदिर तक ले जाऊंगा। ओहो मुकेश बॉडी बिल्डर है। मुझे लगता है प्रोटीन खाने लगा। यस तो हम लोग पहुंच चुके हैं राधा कृष्ण मंदिर, आपको दिखाते हैं पीछे से। ये कुछ राधा मंदिर का हमारा गेट है, यहाँ पे राधा कृष्ण जी लिखे है, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा। और साइड में ही पार्किंग है अपनी, क्या बोलते हो सतीश? और साइड में ही पार्किंग है और राधा कृष्ण मंदिर जी के आपके दर्शन कराते, इतना खूबसूरत मंदिर। तो गाइस इतना ज्यादा खूबसूरत मंदिर, यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बनाए हुए हैं, उसमें झूले लगाए हुए जो आई का हो बेटा आई का मुकेश जा रहा है झूला झूला। अभी हम लोग कभी हम लोग बैठ चुके हैं क्योंकि लाइटिंग की वजह से प्रॉपर हम मंदिर आपको दिखा नहीं पाए, थोड़ा ब्लर ब्लर आपको दिख रहा होगा, उसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि लाइटिंग इतना है ना कि कैमरा कवर नहीं कर पा रहा, इतने रेडियस फैल रही है अपना सतरंगी बन जाए। बच्चे जो ये प्रतिमा आप देख रहे हो, इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था, श्री राधा कृष्ण जी मंदिर का, और इनका नाम है, नाम लिखा है यहाँ पे भूपेंद्र सिंह। हाँ तो ये भूपेंद्र सिंह लिखा हुआ है, इस पे लिखा है गोलोकवासी पूज्य पिताजी स्वामी दीवानसी अमोल सिंह जी बामोरा की प्रतिमा। ये अमोल सिंह जी है भाई, अमोल सिंह जी है ये जो प्रतिमा है, अमोल सिंह जी है, इन्होंने ही बनवाया था ये राधा कृष्ण मंदिर। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान के कर कमलों के स्वंत 2072 साके सन 1937 सूर्य उत्तरायणी वैसाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि दिनांक 19 अप्रैल 2015 दिन बुधवार को संपन्न हुआ। अच्छा मुख्यमंत्री जी के उससे ये मूर्ति बनी है। अच्छा मुख्यमंत्री जी से इनको वो हुई थी शायद बनने की परमिशन मिली थी। इनका नाम अमोल सिंह जी है जिन्होंने प्रतिमा, जिनकी ये प्रतिमा है अमोल सिंह जी इनका नाम था। और ये जो मंदिर देख रहे हो ना, ये मंदिर इन्होंने ही बनवाया था, ये पूरा मंदिर इन्होंने ही बनवाया है। ये वेदांत बता रहा था कि ये मिलिट्री में है, ऐसा सुनने में आया है, प्रॉपर नॉलेज हमको भी नहीं है। तो कैसा लगा आप बताना कमेंट करके। अभी यहाँ पता है वो भी होता है, फुहारा चलता है पानी का, वो बंद किया हुआ है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मध्य प्रदेश में नल तो होते नहीं है, लेकिन रास्ते में ऐसे ऐसे लोग, कुछ लोग मटके रख देते हैं पानी पीने के लिए, जिसको भी प्यास लगे मटके में से ठंडा पानी पी सकते हैं। वैसे इधर नल वगैरह की सुविधा नहीं है, वैसे भी अगर नल लगाए भी ना पानी निकलता नहीं है उसमें, क्योंकि धरती के नीचे होता है पत्थर। तो रोडों के पीछे हर रोड पे मतलब कि साइड में कोई कोई रख देता है मटके, और मटके में पानी रहता है ठंडा। तभी मुझे प्यास लग रही थी, नल तो मिला ही नहीं, मटके से मैंने पानी पिया। अभी हम लोग रूम पे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर। तो यहाँ पे सब्ज़ी खरीदी जा रही है, राधा कृष्ण मंदिर घूम के आने के बाद अब सब्ज़ी बनानी है, तो सब्ज़ी खरीद रहे हैं यहाँ से। खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो ये मंदिर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी यहाँ से हम जाने वाले थे शंकर जी, वो कैंसिल हो गए क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है। अभी जाएंगे हम डायरेक्ट रूम पे, फिर से हमें 1.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही करना है। सब इसको फोटो भी लगी है, ठीक है हम फोटो शूट कराते हैं फिर रूम पे जाएंगे। और बस आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा कमेंट करके।